दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में अगर हमसे सबसे ज़्यादा कोई प्यार करता है तो वो है हमारे माँ बाप। और ऐसे ही एक पिता और पुत्र की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, जिसे अगर आपने अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट किया तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप 10 रुपये अपनी जेब में डालकर 10,000 कमा सकते हैं, और 10,000 अपनी जेब में डालकर 10 लाख भी कमा सकते हैं, और अपनी ज़िंदगी में वो सब हासिल कर सकते हैं जो आप हासिल करना चाहते हैं। वो सच आपको इसे अपनी ज़िंदगी में उतारना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक छोटी सी कहानी जो आपको बहुत कुछ सिखा कर जाएगी। एक पिता को अपने पुत्र के फ्यूचर को लेकर, उसके आने वाले कल को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी। उसने सोचा, क्यों ना मैं अपने पुत्र का एक टेस्ट लूं, जिससे मुझे पता चल सके कि ये आगे कुछ ज़िंदगी में कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा। जैसा कि हर किसी माँ बाप का ये सपना होता कि हमारा बच्चा आगे जाकर बहुत कुछ हासिल करे, ऐसा ही इनका भी सपना था। और इन्होंने सोचा कि अपने लड़के का ही मैं टेस्ट लूं, जिससे मुझे पता चल सके कि ये ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, जिससे मैं इसके फ्यूचर को लेकर टेंशन फ्री हो जाऊं। तो उन्होंने एक टी शर्ट उस लड़के को दी और बोला कि बेटा, इसे तुमको बेच के आना है। और वो बच्चा जाके वो टी शर्ट $1 में बेच के आ जाता है और पापा को पैसे दे देता है। दूसरे दिन उसके पापा उसको फिर से टी शर्ट देते हैं और बोलते हैं, इसे इस बार तुमको $2 में बेचना है। अब बच्चे को समझ में नहीं आ रहा था कि इस टी शर्ट को $2 में कैसे बेचा जा सकता है, लेकिन उसने अपने आप से पूछा, फिर से क्वेश्चन किया कि इस टी शर्ट को मैं $2 में कैसे बेच सकता हूँ। फिर उसके दिमाग में अचानक से एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं इस पर एक कार्टून बना दूँ, एक मिक्की माउस बना दूँ, जो कि बच्चों को अट्रैक्ट करे और वो इसको खरीदें। उसने ऐसा ही किया, उस टी शर्ट पर एक मिक्की माउस प्रिंट करा दिया और जाकर एक स्कूल के सामने खड़ा हो गया। जब स्कूल की छुट्टी हुई तो बहुत सारे बच्चे उसके सामने से निकल के जा रहे थे। तभी एक बच्चे को वो मिक्की माउस वाली टी शर्ट बहुत पसंद आ गई और उसने जिद की कि मुझे ये दिला दो, अपने पेरेंट्स से जिद की। उसके पेरेंट्स ने इसे $2 दिए और वो टी शर्ट खरीद ली। उसने $2 ला के पापा को दिए कि पापा, मैंने वो टी शर्ट $2 में बेच दी। पिता को थोड़ा बहुत भरोसा होने लगा था कि अब मेरा बच्चा ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अच्छा कर जाएगा। उन्होंने इस टेस्ट को आगे जारी रखा। उन्होंने एक टी शर्ट फिर से उसको दी और बोला कि इस टी शर्ट को अब तुमको $200 में बेच के आना है। बच्चे ने अभी भी ना नहीं बोला। ज़रा समझने की कोशिश कीजिए, एक 10 से 15 साल का बच्चा, और उसको आप बोल दो कि ये टी शर्ट तुमको, जो कि 10 रुपए की भी नहीं है, उसे तुमको 2,000 या 10,000 में बेच के आना है, तो उसके लिए कितना बड़ा संकट होगा। तो उसके पिताजी ने उसको टास्क दिया कि इस टी शर्ट को तुम $200 में बेच के आओगे। उसने टी शर्ट ली और फिर से सोचना स्टार्ट किया कि कैसे मैं इस टी शर्ट को $200 में बेच सकता हूँ, क्या वो तरीका हो सकता है जिससे मैं इसे $200 में सेल कर दूँ। तभी उसने अखबार पढ़ा तो उसको खबर मिली कि पास के शहर में कोई हॉलीवुड एक्ट्रेस आने वाली है। उसे समझ में आ गया था कि अब मैं इस टी शर्ट को $200 में बेच दूंगा। उसने ट्रेन पकड़ी और उस शहर में पहुंचा। वहां पर जहां पर शो हो रहा था, वहां पर पूरी भीड़ को चीरता हुआ उस एक्ट्रेस के सामने पहुंच गया। गार्ड ने उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन एक्ट्रेस की नज़र उस पर पड़ गई और उन्होंने बोल दिया कि चलो इसको अंदर आने दो। उसने उस टी शर्ट पर उस एक्ट्रेस का ऑटोग्राफ लिया और अपने शहर वापस आ गया। एक चौराहे पर खड़े होकर उसने उसका प्रमोशन स्टार्ट किया उस टी शर्ट का, कि ये ऑटोग्राफ की हुई है उस एक्ट्रेस की टी शर्ट, आप लोग चाहें तो इसे खरीद सकते। लोगों की लाइन लग गई, लोगों की भीड़ लग गई, लोग वहाँ बोलियाँ लगाने लगे, $100, $200, $400, $500, $1,000, और फाइनली उसने $2,000 में उस टी शर्ट को बेचा। फिर आके उसने अपने पापा को वो $2,000 दिए। जो टी शर्ट मुझे $200 में बेचने को कहा था, वो मैंने $2,000 में बेच दी। उसके पिता ने उसको गले लगाया और उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि बेटा, मेरे जीवन की जो चाह थी वो पूरी हो गई, तू जिंदगी में बहुत आगे जाएगा, तू जो चाहेगा वो तेरे को मिलेगा। दोस्तों, इस कहानी से समझ में क्या आता है? अगर आप भी किसी चीज़ के लिए ना ना बोलें और अपने आप से क्वेश्चन करें कि मुझे ये चीज़ चाहिए और ये चीज़ मैं कैसे हासिल कर सकता हूँ, तो आपको भी सकारात्मक आंसर मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, आप भी वो पा सकेंगे जो आप चाहते हैं। और ये दोस्तों कहानी किसकी है? ये कहानी है माइकल जॉर्डन की, जो आज बास्केटबॉल की दुनिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी है, बादशाह माना जाता है उसको। तो जो चाहिए मांगो,
ये प्रकृति आपको देने के लिए खड़ी हुई है, बस आपको मांगना है, जिद करना है, उसके लिए दिमाग को थोड़ा जोर देना है कि मैं इसे कैसे हासिल कर सकता हूँ। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियोस आपको पसंद आते हो तो प्लीज़ इसको शेयर करें दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमको आगे बढ़ने में मदद मिले। थैंक यू।